горька коса, гострилька киса. काला सुर का माया जाल, राज गौरी का बुरा हाल। राज भाई, आज काला सुर के माया जाल में गौरी के साथ राज बाबू भी पूरी तरह अटक गए हैं। दूल्हे अजय का रूप धारण कर काला सुर रचाना चाहता है राज की बहन अदिति के साथ शादी, जिसके बाद काला सुर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन इस क्रिया को पूरा करने के लिए गौरी के पास रखी अमानत भी काला सुर हड़पना चाहता है, इसीलिए आज गौरी है काला सुर के निशाने पर। भगवान तो नहीं, पर भगवान जैसे बन सकते हैं उतनी शक्तियाँ मिल सकती है, तो वो उसे हासिल करना है, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो वो मुझे घड़ी घड़ी धमकियाँ दे रहा है कि अगर तुमने नहीं दिया तो मैं राज को खत्म कर दूंगा। गौरी की तरफ से कालासुर की मदद से इनकार के बाद अब कालासुर गौरी की दुखती नस यानी राज को अपना शिकार बना रहा है। अपने मायावी जाल में फंसाकर अचानक राज बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है और सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। कि सॉफ्ट टारगेट राज है, सो राज को अगर वो हार्म करेगा तो गौरी डेफिनेटली उसकी मदद करने को तैयार हो जाएगी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही हैज ट्राइड टू किल मी मल्टीपल टाइम्स, बट देन गौरी कम्स टू द रेस्क्यू। अभी सही कहा राज, आज कयामत तो काला सुर के लिए है। गौरी घबराई जरूर, लेकिन हार नहीं मानी और बिना किसी की परवाह किए अजय और अदिति की शादी में लगा दी ब्रेक गंगा जल फेंक कर। तो एंड में रोक देती हूँ मैं शादी, अजय और अदिति की शादी नहीं होती है। गंगा जल पड़ते ही काला सुर वहाँ से भंडारत हो गया। गौरी जीत तो गई, लेकिन अंदर ही अंदर काला सुर के डर ने इन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। राज भी अब होश में आ चुके हैं, लेकिन काला सुर इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला। अब कैसे करेगा काला सुर गौरी और राज पर अपना पलटवार। आज तक ब्यूरो।